मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राचीन कला से ही भारत की परंपरा खेल और खेल कूद को बढ़ावा देने की जा रही है। आज लखनऊ में 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद, योगासन, प्राणायाम आदि क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने कहा कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड और विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक ऐसे 500 से अधिक खिलाड़ियों को प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती करने की शुरुआत की गई है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, सशस्त्र सीमा बल के डीजी दलजीत सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने एक खेल नीति भी बनाई, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है, उन्हें सीधे भर्ती के साथ जोड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश से, यूनियन टेरिटरीज से यहाँ पे सभी टीमें यहाँ पे आई हैं और सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की टीमें भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें चार आइटम हैं जिसमें बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग, आर्म रेसलिंग एंड बॉक्सिंग है, और हमारे बहुत बेहतरीन रेफरीज एंड अंपायर्स यहाँ पर और हमारे सीनियर अधिकारी पूरे मैचेस को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बहुत अच्छे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लड़के जो इसमें अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको हम चिन्हित करके फर्दर उनको स्पेशलाइज्ड कैंप्स में भेजकर उनको और तैयार कराएंगे ताकि वो देश का नाम रोशन कर सकें।